नमस्ते सत श्री अकाल शालोम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वंडरलस्ट स्पैरो पर, जहां आप देख सकते हैं न्यू ट्रेवल एंड एक्सप्लोरेशन वीडियोस। आज इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं ट्रेवल के लिहाज से वर्ल्ड की टॉप 10 सिटीज में से एक उदयपुर सिटी के बेस्ट फोटोग्राफिक एंड अनसीन लोकेशंस। साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी लोकेशन भी दिखाऊंगा जो कि अपने आप में मशहूर है रॉयल वेडिंग एंड पार्टीज के लिए। अगर आपने पहले ही उदयपुर घूम रखा है या फिर आपको लगता है कि आपने पूरा उदयपुर एक्सप्लोर कर रखा है, तो मैं बड़े यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ कि जिन खूबसूरत फोटोग्राफिक लोकेशंस की जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, शायद आपने वो कवर नहीं की है या फिर हो सकता है आपने मिस कर दी हैं। तो बिना किसी देर किए चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप उदयपुर पधारें तो कोशिश कीजिए कि आपकी सुबह की शुरुआत या फिर आपकी ट्रिप की शुरुआत फतेह सागर झील के किनारे बनी हुई पाल से हो। सुबह सुबह यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत होता है। लोकलाइट्स आपको झील के अंदर नहाते हुए भी यहाँ पर दिख जाएंगे और झील के किनारे छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई है जहाँ पर यहाँ के लोकल्स या फिर गुजरात के अधिकतर कपल्स प्री वेडिंग शूट करते हैं। यहीं पर स्थित है हमारी पहली फोटोग्राफिक लोकेशन। फतेह सागर पाल के दक्षिणी छोर पे एक फिश एक्वेरियम स्थित है और इसके प्रबंधकों द्वारा क्लेम किया जाता है कि ये इंडिया की बिगेस्ट एक्वेरियम गैलरी है। 110 रुपये एंट्री फीस के चार्ज के साथ आप अंदर एंट्री कर सकते हैं और जैसे आप एंट्री करेंगे तो मेन गेट के ऊपर कुछ फोटोग्राफर्स रहेंगे, वो आपकी फ़ोटो खींचेंगे। ध्यान रखिए उनसे फ़ोटो ना खिंचवाएं क्योंकि वो पर क्लिक आपको 100 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो उनसे बच के रहें। यह एक तरह का झांसा होता है। इसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 200 मीटर के एरिया में भिन्न भिन्न प्रजाति की मछलियाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पर बीच में एक ग्लास का एक्वेरियम इन्होंने बना रखा है जिसके अंदर आप खड़े रह सकते हैं और आपके चारों तरफ मछलियाँ घूम रही होती है और आप अपनी फोटोग्राफी वहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मछला वरुण इसके अंदर फंसा हुआ है और वो फोटो खिंचवा रहा है अपनी। इसके आगे इन्होंने एक ओशियन एक्सप्लोरेशन चैम्बर बना रखा है जिसकी टिकट का चार्ज 500 रुपीज़ है। यहाँ पर आपको एक आर्टिफिशियल एटमोसफेयर में ऐसा एहसास करवाया जाता है कि आप समुद्र की गहराइयों में खोज गए हैं और आप पे शार्क ने हमला कर दिया है। बाहर से देखने पर ये काफ़ी सामान्य लगता है लेकिन यहाँ के आयोजकों के अनुसार 50% लोग भी इसको कम्प्लीट नहीं कर पाते हैं। बाकी का इसका एक्सपीरियंस हम वरुण भाई से पूछते हैं। एक्सपीरियंस ना, वो जो मैंने वीडियो देखी थी 15 मिनट की, उसमें जो 5 मिनट एंड में शार्क आई, एक बार को तो मेरे को ऐसा लगा था कि भैया बस बंद कर दो। मुझे ऐसा लग रहा था कि एक्चुअल में शार्क मैं डूब गया हूँ और पानी में हूँ और शार्क मेरे को खा जाएगी, लेकिन बस भगवान हो आपका भाई को बचा लिया भगवान ने और उसने वीडियो बंद कर दी। मैं बच गया, मुझे शार्क ने नहीं खाया और शार्क चली गई। इसके बाद में इस लोकेशन का बेस्ट पॉइंट आता है 3D फोटोग्राफी पॉइंट। 253 रुपये का आपको चार्ज किया जाएगा और आपको एक चैम्बर के अंदर भेज दिया जाएगा जहां पर अलग अलग 3D फोटोग्राफ्स लगे हैं और आपका पूरा फोटोग्राफी सेशन होगा। आपको अपना मोबाइल उनको दे देना, वो आपके पूरे फोटो खींचेंगे। 253 रुपये का चार्ज लगता है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन यकीन मानिए जो आपके फ़ोटोज़ आपके मोबाइल में आएंगे ना, वो अल्टीमेट लेवल के 3D फोटोज़ होंगे। तो कुछ नमूना देखते हैं उनके, चलिए। फतेह सागर पाल के बाद में इसके पास ही बने मोती मागरी जगह पर आप जा सकते हैं जहां पर भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट चार्ज जो है 20 रुपये है और अगर आप अपनी 4-व्हीलर या 2-व्हीलर से आते हैं तो उनका चार्ज अलग है। आप पैदल भी यहां पर आ सकते हैं और ऊपर चढ़ सकते हैं। टिकट लेने के बाद में आपको थोड़ा सा 500 मीटर ऊपर इस पहाड़ पर चढ़ना होता है। ऊपर पार्किंग की भी जगह है।
अपने वाहन को यहाँ पर पार्किंग में लगाकर आप सामने जो सीढ़ियाँ दिख रही है इन पे चढ़ के ऊपर जाएंगे। वहाँ पर महाराणा प्रताप की उनके घोड़े के साथ एक स्टेचू बनी हुई है और ये फोटोग्राफिक लोकेशन जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप यहाँ पर अच्छा फोटोशूट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर चलकर नीचे जाना है और यहाँ पर महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे उनका एक स्टेचू बना हुआ है। इस जगह को चंदन वाटिका भी कहा जाता है। यहाँ पर प्रताप के सेनापति हकीम का सूरी की स्टेचू लगी हुई है और चारों तरफ चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। इससे पहले अगर आपने कभी चंदन के पेड़ नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी चंदन के पेड़ देख सकते हैं। और उसके बाद में उदयपुर की जो फतेह सागर पाल है उसका चौपाटी का व्यू यहाँ से दिखता है जो कि काफ़ी मनोरम होता है और एक अच्छा फोटोशूट यहाँ पर आप कर सकते हैं। आगे बढ़ने पर रास्ते के साथ आपको ये जो चारों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये चंदन के पेड़ हैं। हालांकि ये पेड़ कच्चे हैं, इनको तोड़ेगा मत, इसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही होती है। जब ये पक जाते हैं तब इनमें से खुशबू आती है और ये जो रास्ता है ये मोती महल की तरफ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब उदयपुर की स्थापना की महाराजा उदय सिंह ने तो ये मोती महल से की। उसके बाद में पूरा उदयपुर शहर बसा इसके चारों तरफ, लेकिन उदयपुर शहर का जो पहला भवन था वो था मोती महल। यहाँ पर शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है जिसका 100 रुपये टिकट चार्ज है और टिकट आपको एंट्री गेट पे ही लेना होता है। यहाँ से नीचे जाने पर आपको एक म्यूजियम दिखाई देगा जहाँ पर मेवाड़ रियासत के भिन्न भिन्न किलों के मॉडल रखे हुए हैं। इसका कोई एक्स्ट्रा टिकट नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आता है झालावान पार्क, यानी इस लोकेशन का मेन फोटोग्राफिक पॉइंट। उल्लेखनीय है कि झालामान सिंह ने हल्दीघाटी की लड़ाई में प्रताप का मुकुट धारण किया और उसके बाद में लड़ाई लड़ते वीरगति प्राप्त की। तो ये जो रास्ता है ये उन्हीं के स्मारक की तरफ जाता है और फोटोग्राफिक लोकेशन के लिए रास्ता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बरसात के मौसम के बाद और पतझड़ में ये रास्ता काफ़ी देखने लायक होता है और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स आप क्लिक कर सकते हैं। थोड़ा सा इस रास्ते की केयर नहीं की हुई और अगर आप बाइक से जाते हैं तो आपके लिए एक ऑफ रोड टाइप का ये हो जाता है। इस पॉइंट पर आपको काफ़ी कम भीड़ मिलेगी या न के बराबर ही भीड़ मिलेगी। इवन उदयपुर के जो नेटिव लोग हैं उनको भी इस स्थान का बहुत कम पता है। आप यहाँ पर आइए, आपको बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा फोटोग्राफी करवाइए और अपना समय बिताइए, बहुत ही अच्छी जगह है। इस जगह के पास ही जटायु पॉइंट बना है जहाँ पर सामान्यतः कम लोग ही आते हैं या फिर आते हैं तो सनसेट देखने के लिए आते हैं, लेकिन जगह जो है वो काफ़ी अच्छी है। यहाँ से आपको उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला दोनों ही लेक का व्यू नज़र आएगा और ये जो जटायु की यहाँ पर इन्होंने स्टेचू बना रखी है ये भी अपने आप में काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ के बाद हम जा सकते हैं राजस्थान की बेस्ट फोटोग्राफिक लोकेशन में से एक, जग मंदिर, जो कि उदयपुर के रॉयल सिटी पैलेस का ही एक पार्ट है। जग मंदिर में एंट्री के लिए आपको उदयपुर सिटी पैलेस के दक्षिणी द्वार पर जाना होगा और सिटी पैलेस में एंट्री के लिए 50 रुपये का टिकट लेना होगा। जैसे ही आप मेन द्वार में यहाँ पर एंटर हो जाएंगे तो उसके बाद में आप अपने टू व्हीलर को यहाँ पर पास में ही पार्क कर सकते हैं। फोर व्हीलर की पार्किंग थोड़ी आगे है तो आपको वहाँ पर पार्क करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर जग मंदिर बोट का टिकट लेना पड़ेगा। 500 रुपये प्रति व्यक्ति इसका चार्ज आपको किया जाता है अगर आप दोपहर के 1 बजे पहले पहुँच जाते हैं तो। दोपहर के 1 बजे के बाद में इसका चार्ज जो है 1000 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया जाता है। टिकट लेने के पश्चात आपको यहाँ पर बोट बोर्डिंग पॉइंट पर पहुँचना होता है, अपना टिकट इनको दिखाना होता है और ये आपको एक लाइफ सेविंग जैकेट देते हैं जो कि पहनना मैंडेटरी है। उसको पहनिए और आराम से वेट कीजिए आपका नंबर आने का। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो यहाँ पर एक बोट आ जाएगी, आपको उसमें बैठ के आगे जग मंदिर में जाना होता है।
ये बोट आपको जग मंदिर आधा पिचोला लेक घुमा कर लेके जाती है। सामने आपको जो दिख रहा है ये सिटी पैलेस है व्हाइट वाला, और उसके बाद में बहुत सारे घाट आएंगे पिचोला झील के किनारे बने हुए। उसके बाद में अमराई घाट आएगा जहाँ पर अलग अलग मूवीज की रामलीला की इनकी शूटिंग हुई थी, और उसके बाद में होटल जो है वो आता है ताज का, और लास्ट में आता है जग मंदिर। तो ये जो रास्ता है ना यही अपने आप में बड़ा खूबसूरत है, आराम से इसका आनंद लें। कोशिश करें कि आप बोट के किनारे पे बैठे, मतलब सीट आपको किनारों पे मिले, तो ये सारे व्यूज़ जब आप अपने वीडियो में अपने फ़ोटोज़ में शूट कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं आए। वैसे इतना कोई भारी मशक्क़त वाला काम नहीं है, आराम से आपको जगह मिल जाती है। ये जैसे आप देख रहे हैं ऊपर ये अमराई घाट, यहाँ पर अलग अलग मूवीज़ की शूटिंग होती है। अमराई घाट के बाद में आपको बीच झील में एक होटल दिखाई देगा, वो ताज होटल है, एशिया के टॉप 10 होटल में से एक सर्विसेज के मामले में। और उस होटल के बाद में आपको जग मंदिर पहुंचा दिया जाएगा, यहाँ पर आप अपनी बोट से उतरिए आराम से। बोट से उतरने के बाद में आप जग मंदिर के अंदर एंटर कीजिए। यहाँ पर एंट्री पे ही एक कैफेटेरिया बना हुआ है, लेकिन वो उसके चार्जेस जो हैं काफ़ी हाई है, मेरे जैसे बैकपैकर के लिए वो काफ़ी कॉस्टली कैफेटेरिया है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़िए, आपको अलग अलग व्यू दिखाई देंगे और एक बेहतरीन फोटोग्राफिक लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ पर रुकिए, आराम से फ़ोटो खिंचवाइए, आगे बढ़िए। ये जो गार्डन है ये भी बड़ा, मतलब देखने में बड़ा ही खूबसूरत है। गार्डन से आगे बढ़ने पर पिचोली बार आपको दिखाई देगा। आप उस पिछोली बार के साउथ में जाइए, दक्षिण में जाइए तो आपको एक छोटा सा गेट दिखाई देगा। ये देखिए ये वाला गेट है ना, तो इसके अंदर जा सकते हैं आप, इसके उस पार जा सकते हैं, वहाँ पर पाल बनी हुई है ये जो आप दिख रहे हैं ना, और यहाँ पर आप फोटो सेशन कर सकते हैं और पूरा व्यू लीजिए। यहाँ से बहुत ही अल्टीमेट व्यू आता है फोटोग्राफी में। ये देखिए सामने जो आपको सिटी पैलेस दिख रहा है और पूरी की पूरी पाल दिख रही है, उधर माता ये अम्बा माता जी का मंदिर है ये दिख रहा है, तो ये अल्टीमेट है अपने आप में, बहुत ही शानदार जगह है। यहाँ पर ज़रूर जाइएगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छा फोटोशूट होता है। यहाँ पर आप आराम से बैठें एक आधा घंटा, निहारे प्रकृति को और ड्रिंक्स भी ले सकते हैं आप, यहाँ पर ड्रिंक सर्व की जाती है। उसके बाद में जैसे आप एग्जिट गेट की तरफ जा रहे हो तो ध्यान रखें आपको अभी बोट पे नहीं चढ़ना है। अपने लेफ्ट साइड में आप देखिए, आपको एक गेट दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, है ना, सामने वो बोट चली जाती है, तो उस बोट पे नहीं बैठना है सामान्य लोगों की, जैसे आपको इसमें जाना है। यहाँ पर जो रॉयल वेडिंग्स होती है वो यहीं पर होती है। सारा का सारा अंदर से जो एरिया है वो काफ़ी अच्छा खूबसूरत बना हुआ है और फोटोशूट के लिए एक अल्टीमेट एरिया है ये। हॉलीवुड बॉलीवुड या अंबानी जैसे धनाढ्य लोगों की रॉयल वेडिंग यहीं पे होती है, यहीं वो जगह है जहाँ पर रॉयल वेडिंग होती है। अंत में आप रिटर्न बोट पे बैठिए, वो आपको किनारे तक छोड़ देगी और उसके बाद में आप सनसेट पॉइंट के लिए आगे जा सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ पंजाबी फ्रेंड्स मेरे को मिले हैं लुधियाना पंजाब से। हाँ भाई, यस यस यस। तो जितने भी सरदार यार हो उन्हें लाइक ठोक दो। ठीक है, ओके भाई। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया देखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई यात्रा के साथ। तब तक आप लोग व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।